खासकर इंडियन फैमिली में ये मिथ बहुत ज़्यादा होता है, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ योगा होता है जिससे आपकी हाइट में। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल फिट इंडिया में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बराबर जिम जा रहे होंगे। भाई आज हम लोग इस वीडियो में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि क्या जिम जाने से हाइट रुकती है। खासकर इंडियन फैमिली में ये मिथ बहुत ज़्यादा होता है कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम जिम मत जाओ, अभी तुम जिम जाने लगोगे तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने जीवन में कभी जिम की शक्ल भी नहीं देखी होती है। गाइस, जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है, मैं जीता जागता सबूत हूँ आपके सामने। मैं 15 साल का था तब से मैं जिम जा रहा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आज 6 फिट का हूँ, आप सब मुझे देख सकते हैं, जीता जागता सबूत। तो मेरा ये मानना है, मेरा ही नहीं बड़े बड़े लोगों का ये मानना है कि जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसा कुछ होता है जिसको खाने से, या ऐसी कोई दवाई होती है जिसको खाने से? नो, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है जिसको खाने से या जिसको पीने से, या ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता जिसको लगाने से आपकी हाइट बढ़े। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ योगा होता है जिससे आपकी हाइट में थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। जैसे स्ट्रेचिंग्स होते हैं, या फिर रनिंग कर सकते हैं आप हाइट के लिए, या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं। बस इससे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इफ़ेक्ट पड़े ही पड़े। बहुत सारे रनर्स हैं या फिर बहुत सारे स्विमर्स हैं जिनकी हाइट कम होती है। गाइस, जो गॉड गिफ्टेड है उस पर यकीन करिए, अगर भगवान को हाइट बढ़ानी होगी तो वो बढ़ाएगा, नहीं बढ़ानी होगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, लाखों रुपए बर्बाद कर लीजिए, नहीं बढ़ेगी। आज एक बहुत बड़ा हमारे वर्ल्ड में बिजनेस बन चुका है कि आप ये दवाई खरीदिए, ये खाइए, इतने दिन का कोर्स करिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट नहीं, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं और वो अपना घर भर रहे हैं और आप मिथ में जी रहे हैं कि ये दवाई खाने से मेरी हाइट बढ़ेगी। गाइस, अगर दवाई खाने से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खाने से हाइट बढ़ती तो आज किसी की भी हाइट कम ना होती, हर कोई खली ही बनता। तो ये एक बिटर ट्रूथ है जिसको हमें और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भगवान देगा वही हमें मंजूर होना चाहिए। हमारे हाथ में नहीं है हाइट बढ़ाना, हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर एक प्रोटीन वाली डाइट खा सकते हैं जिससे हमारी मसल ग्रोथ हो। मसल ग्रोथ होगी तो देर इज पॉसिबिलिटी आपकी हाइट भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। जेनेटिकली होता है, कुछ लोग के जेनेटिक्स होते हैं, अगर मम्मी पापा की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होती है, अगर मम्मी पापा की हाइट ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है। तो आपको ये चीज़ अपने अंदर बैठानी पड़ेगी। और छोटी हाइट है तो क्या हुआ, इंसान छोटी या बड़ी हाइट से मैटर नहीं करता है, उसका नेचर, उसका एक बर्ताव लोगों के प्रति वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटी हाइट के हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें छोटी हाइट के लोग ज़्यादा कमाल करते हैं, अपने राजपाल यादव सर हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखिए हाइट छोटी है लेकिन आप दुनिया उनको जान लीजिए। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जो है उसको एक्सेप्ट करिए। और कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि ये खाने से आपकी हाइट बढ़ेगी तो प्लीज़ 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 उसको बोलिए कि भैया मुझे माफ़ करो और मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। बाकी ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था। मैंने देखा बहुत सारे नए बच्चों को जो ये सोच के पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, किससे हाइट बढ़ेगी, नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे भाई पे ऐसे प्यार बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।